इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एंजिस्पेन TR 2.5 मिलीग्राम कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। इसे खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है। अच्छा होगा कि रोज एक तय समय पर इसे लें। बताए गए डोज से अधिक न लें क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुकसानदायक असर हो सकता है। समय के साथ आप में इस दवा को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसका मतलब यह है कि वही खुराक कम प्रभावी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आपको वास्तव में विशिष्ट खुराक का शेड्यूल का पालन करना होगा। इस दवा का सबसे आम दुष्प्रभाव सिर दर्द है, जो कि गंभीर भी हो सकता है। इसमें फ्लूइड पीने और शराब से बचने से कभी कभी मदद मिल जाती है। आप सिर में हल्केपन का अनुभव भी कर सकते हैं, जो आपके गिरने के जोखिम को बढ़ा सकता है। अन्य दुर्लभ साइड इफेक्ट हैं, इनमें से कुछ गंभीर हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने डॉक्टर से पूछें और दवा के साथ आने वाले लीफलेट को पढ़ें। अगर आप अपने फेफड़ों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए दवाएं ले रहे हैं, या अगर आपको अनीमिया या ग्लूकोमा, आंखों के अंदर दबाव में वृद्धि है, तो इस दवा का इस्तेमाल न करें। हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि आपकी अन्य स्वास्थ्य परिस्थितियां क्या हैं और आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। यह दवा लेते हुए शराब न पीना बेहतर है क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो ड्राइविंग न करें। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। एंजिस्पेन कैप्सूल TR के लाभ। एंजिस्पेन TR 2.5 मिलीग्राम कैप्सूल सीने के दर्द, एंजाइना की रोकथाम के साथ साथ इलाज में भी मदद करता है। एंजाइना एक प्रकार का सीने का दर्द है, जो आमतौर पर रक्त वाहिकाओं के संकुचन से होता है, जो आपके दिल को रक्त की आपूर्ति करता है। इसका मतलब है कि आपके हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एंजिस्पेन TR 2.5 मिलीग्राम कैप्सूल आपके हृदय में मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को तीव्रता से शांत करता है, ताकि आपके हृदय को अधिक रक्त व ऑक्सीजन मिले। यह दर्द और तकलीफ को कम करता है, जो एंजाइना के कारण होता है। सीने में दर्द महसूस होते ही आपको यह दवा लेनी चाहिए। यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। एंजिस्पेन TR 2.5 मिलीग्राम कैप्सूल को अगर व्यायाम करने या अन्य अधिक मेहनत वाले कामों से पहले लिया जाए तो यह सीने में दर्द को रोकने में मदद करता है। एंजिस्पेन कैप्सूल TR के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। एंजिस्पेन के सामान्य साइड इफेक्ट, धुंधली नजर, ब्लड प्रेशर घट जाना, चक्कर आना, सिर दर्द, हृदय गति बढ़ना, चक्कर महसूस होना, पैरेस्थेसिया, झुंझुनी या चुभन जैसा महसूस होना। एंजिस्पेन कैप्सूल TR का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। एंजिस्पेन TR 2.5 मिलीग्राम कैप्सूल को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।